मुंबई के ट्रॉम्बे नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में आज श्रावण मास के सोमवार पर हजारों की संख्या में भक्तों ने कांवड़ यात्रा निकाली और महादेव का जलाभिषेक भी किया। आपको बता दें, हजारों की संख्या में आज सावन के सोमवार पर गोवंडी शिवाजी नगर से ट्रॉम्बे नर्मदेश्वर मंदिर तक कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त इस कांवड़ यात्रा में शामिल थे और संस्थान की तरफ से कांवड़ियों के लिए महाप्रसाद का आयोजन किया गया था, जिसमें इस अवसर पर ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन और जोन 6 के DCP हेमराज सिंह राजपूत की निगरानी में भारी पुलिस सुरक्षा बल तैनात किए गए थे और आए सभी भक्तों ने भगवान शिव का दर्शन किया। ये हिंदुओं का विश्वास है और नर्मदेश्वर महादेव मंदिर यहाँ का बहुत बहुत ही अच्छा और बहुत ही जागृत मंदिर है। आप जिस तरह से देख रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग जल लेकर भगवान शिव को श्रावण के सोमवार में चढ़ाते हैं। ये श्रद्धा है और श्रद्धा का त्यौहार है और जो उत्साह आपको देखने को मिल रहा है, ये तो बस इतना ही कहा जा सकता है, हर हर महादेव। देखिए, ये जो अनुशक्ति नगर परिसर में ये जो मंदिर है भगवान शिव जी का, नर्मदेश्वर महादेव मंदिर, ये मंदिर से लाखों भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है और हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि आज कांवड़ यात्रा का समापन भी भगवान शिव जी के मंदिर नर्मदेश्वर में, तो हम सभी कांवड़ यात्री के जो भक्त हैं, शिव जी के भक्त हैं, उनका इस नर्मदेश्वर की धरती पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उनका अभिनंदन करना चाहते हैं। और जैसे आपको पता है कि देश में एक हिंदुत्ववादी सरकार चल रही है, वैसे ही महाराष्ट्र में एक हिंदुत्ववादी सरकार चल रही है, तो आप देख सकते हो इन भक्तों के मन में कितना हर्ष और उल्लास है, उसका ये जीता जागता उदाहरण है कि एक हिंदुत्ववादी सरकार महाराष्ट्र में भी है और देश में भी है। श्री नर्मदेश्वर मंदिर में सार्वजनिक भक्त बहुत हजारों लाखों में भक्त लोग यहाँ पर आए हैं और भगवान की दया का एकदम चमत्कार और नमस्कार कर रहे हैं और एक से ऐसे लोग आते ही रहते हैं और हजारों लोग और करोड़ों लोगों की संख्या में यहाँ नर्मदेश्वर मंदिर में लोग आते हैं और अपना आस्था और पूर्ण भक्ति के साथ अपना कामना पूर्ण करते हैं और अपनी अत्यधिक शक्ति से पूर्ण काम करते रहते हैं और आगे भी भगवान सनातन धर्म हिंदू आगे ही बढ़ता रहेगा और कांवड़ यात्रा के भी हजारों लोग लाखों लोग यहाँ पर उपस्थित है और वो भी सब यहाँ पर भक्त लोग अपने भजन और कीर्तन में मग्न हो रहे हैं। सावन का ये दूसरा सोमवार है और दूसरे सोमवार में करोड़ों लोग यहाँ पर मग्न हो रहे हैं भगवान शिव की भक्ति में और भक्त लोग रहते ही आते ही रहते हैं। हम छत्रपति शिवाजी महाराज नगर गोवंडी से जल उठा के ये चिता कैंप नर्मदेश्वर मंदिर में, महादेव के मंदिर में आए हैं। यहाँ पर हमने सर जल अर्पण किया है सभी भक्तों ने और प्रसाद ग्रहण किया है। यहाँ पे लगभग हमने व्यवस्था की थी 750 लोगों की, जो हमारे पास रजिस्टर्ड लोग आए थे, जिनका हमारे पास नाम नंबर था, वो 750 लोग थे। धीरे धीरे भोले बाबा की कृपा से ये संख्या बढ़ी है और ये 1250-1300 के लगभग यहाँ पे हमने समापन किया है ये शिव भक्तों के साथ। के हिंदू जागृत हुआ है, अगर हिंदू जागृत नहीं हुआ तो हमने बंगाल देख लिया है और हमने बांग्लादेश भी देख लिया है। आज हम किसी और को कुछ नहीं कह के हमारे हिंदुओं को जागृत करने का काम कर रहे हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं उससे ना हमें अभी फ़िलहाल मतलब है, ना हमें उससे कुछ डिस्कस करना है, लेकिन हमारे हिंदू भाई जागरूक हो और वो कुछ शक्ति प्रदर्शन करे या धार्मिक काम करे, ये हमारी लक्ष्य है। कांवड़ यात्रा कहाँ से निकाला था आपने? कांवड़ यात्रा 2024 जो आज के दिन जो निकली है 12 अगस्त, हमारे पास तकरीबन 750-800 तक हमारे पास रजिस्टर्ड लोग थे, हमारे अंदाज से 1200-1300 के बीच में ये संख्या आई है, जिसमें 450 कांवड़िए थे, कुछ 200 माताएं बहनें थे और बाकी अन्य भक्त भी थे। समिति की ओर से सभी के लिए कांवड़ की व्यवस्था, जिन्होंने अपना नाम रजिस्टर कराया और अपना शुल्क जमा कराया उनके लिए टी शर्ट की या कुर्ते की व्यवस्था, अगर हमारी माताएं हैं तो कुर्ते और हमारे भाई हैं तो टी शर्ट, और कांवड़ की व्यवस्था, टी शर्ट की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था और कुछ लोगों के लिए रिटर्न जाने की व्यवस्था। लगभग 1100-1200 से लोग यहाँ पे शामिल थे, तो हम ज़्यादातर, हमारा मोटिव यह है कि हम हिंदुओं को घर से निकालें, हम उत्तर भारतीय हैं हम, और हमारे जो हिंदू समाज के लोग हैं सभी लोगों को जोड़े
और हमारा जो हिंदू धर्म का काम आगे बढ़े, ये हमारा मेन मोटिव है, इसीलिए हम ये कावर और फैलाना चाहते हैं बस। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।